नमस्कार जय माता दी। दोस्तों आज पूरा विश्व परेशान है, कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति से मिलने से घबरा रहा है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि स्तंभन तंत्र के द्वारा, स्तंभन शक्ति के द्वारा महामारियों को रोका जा सकता है। हम आज तक रोकते आए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है। वो उन लोगों के लिए हो गया जिनको आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है, जिनको कोरोना का असर नहीं हुआ है, ये बात उनके लिए है। इसके साथ किसी पे इस बीमारी का असर हो गया, घबरा गया व्यक्ति, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधी बात पे आता हूं। मंत्र जाप से हमारा सूक्ष्म शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दोस्तों जो स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद विद्युत शरीर है। तो सबसे पहले जब हमारे पे बीमारी का असर होता है तो सूक्ष्म शरीर पे असर करती है। सूक्ष्म शरीर अगर कमजोर होता है फिर हमारी रियल बॉडी पे आती है। तो हम मंत्र जाप के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा सूक्ष्म शरीर को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके लिए आप मंत्र जाप करें, अजप्पा जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, अपने गुरु जी का ध्यान करें। तो अगर आपको बीमारी होने भी लगी है तो आप बचते चले जाएंगे। मान लो आपको थोड़ा सा महसूस हो गया कि नहीं मुझे तो कुछ हो रहा है, आज मैं किसी व्यक्ति से मिलके आया, मेरे पे कोई संक्रमण का असर ना हो जाए, तो आपके लिए शंकर भगवान का बहुत ही सुंदर मंत्र, जो मेरा अनुभव सिद्ध है बहुत सी बीमारियों के लिए, बहुत सी हीलिंग के लिए, उस मंत्र का आप जाप करें। ओम हौम जूम स माम पाले पाले स जूम हौम ओम, ओम दो बार लगाना है। फिर मैं बोलता हूं, ओम हौम जूम स माम पाले पाले स यूम हौम ओम। और आप किसी की खबर लेने नहीं जा सकते अभी, जो बीमार व्यक्ति है उसको मिल नहीं सकते, पर वो आपका प्यारा है, दुलारा है, उसकी आप कैसे हेल्प करें। तो मंत्र विज्ञान उसमें भी बहुत हेल्प करता है, बहुत शक्ति देता है। आप दूसरों के लिए जाप करना चाहते हैं, ओम हौम जूम स मम की जगह उसका नाम ले लें, मान लो मोहनलाल, पाले पाले स जूम हौम ओम, ओम हौम जूम स नाम पाले पाले स जूम हौम ओम। इस मंत्र को पहले ऊंचे स्वर में करें जैसे मैं कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे स्वर में करें, फिर आपके लिप्स भी ना हिलें, और फिर मंत्र जाप करते करते आज्ञा चक्र से उस व्यक्ति को रेजेज देने की कोशिश करें। उस व्यक्ति का चेहरा अपने सामने ले आए, इमेजिन करें, आप सोचें कि वो व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र से, अपने आज्ञा चक्र में रेजेज ले रहा है। अगर आप आधा घंटा रोज सच्चे मन से उसके लिए प्रार्थना करते हो, अपने लिए प्रार्थना करते हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इस मंत्र का जाप अभी से, आज से शुरू करें, और जैसे मंत्र जाप के बाद, साधना के बाद हमारे धर्म में आरती करने का प्रचलन है, तो दोस्तों जब भी आरती करें उसमें थोड़ा कैंपर ले लें, कपूर ले लें, उसके ऊपर 5-7 लौंग रख लें, और लौंग और कपूर जला करके पूरे घर में आरती करते करते ले जाएं, इससे भी जीवाणु विषाणु आपके नष्ट होते हैं। माँ कृपा करे कि आपको इस समस्या से मुक्ति मिले, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। जय माता दी।